हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हो सृष्टि की तिवारी चैनल। तो ये देखिए हमारा बटन रोज, जिस पर फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है और बर्ड भी बहुत सारे इस पर बनी हुई है और कुछ क्रिजैंथेमम के प्लांट भी अच्छी ग्रोथ पर हैं। और ये देखिए हमारा कैलेंडुला का प्लांट, जिस पर फ्लावर जो है वो आ चुका है। प्लांट जो है मेरे सेट हो चुके हैं कैलेंडुला वाले और इन पर फ्लावरिंग जो है वो भी आने लगी है। टोमेटो के सीड तो आपने बहुत सारे देखे ही हैं, पौध भी बहुत सारी देखी है जो कि मेरे गार्डन में ग्रो हो रही है। कुछ तो सीड अपने आप ही ग्रो हो रहे हैं जैसे कि ये। तो चलिए आज मैं आपको क्या ग्रो करना बताऊंगी वो आपको दिखाते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको याद होगा यहाँ पर हमने सरसों ग्रो की थी जो हमारे किचन में ही होती है और वो बहुत अच्छी बढ़ रही है। लिक्विड फर्टिलाइज़र का कमाल है। सृष्टि के तिवारी चैनल पर बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है मैंने अपलोड कर रखे हैं या बनाकर आप सबके साथ शेयर कर रखे हैं। तो प्लीज़ लिक्विड फर्टिलाइज़र पर थोड़ा ध्यान दीजिए और अपने गार्डन को हरा भरा बनाइए। सामने की तरफ नेट लगा हुआ है और देखिए येलो फ्लावर जो कि है मेरा गोरी चोरी का, मस्त फ्लावर खिल रहा है और पूरे इसने मुझे सबर में भी फ्लावर दिया है। और अभी देखिए हमारा जो दिसंबर है वो भी आधा हो चुका है, आधा मतलब गुजर चुका है, उसके बाद भी इस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती हुई। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको ग्रो करना बताऊंगी, ये देखिए बीट रूट जिसे बोलते हैं ना, ये ग्रो करना बताऊंगी। और ये जो सीड हैं ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे, ये वही सीड हैं। हालांकि इसके सीड ना बिल्कुल पालक जैसे होते हैं, ठीक है। आप कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि बता क्या रही हैं, दिखा क्या रही हैं। ये बीट रूट के ही सीड हैं और पालक जैसे होते हैं, थोड़े से मिलते जुलते से रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने ना इस टाइप का कंटेनर चूज़ किया है, हमारे यहाँ तो इसको टब बोलते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इस तरह का पॉट ले सकते हो, इस तरह का ले सकते हो, इस तरह का ले सकते हो, जो जिसके पास हो ले लेना। बट मैं इस बार इस तरह का जो फैला वाला होता है ना उसमें ग्रो करूँगी। आप इस तरह के वेजिटेबल ट्रे जो आते हैं उसमें भी ग्रो कर सकते हो, क्योंकि वीट रूट जो होते हैं ना वो है रूट वाली, मतलब कि कंद है एक टाइप का जो मिट्टी के अंदर अंदर बनता है। तो उनके लिए जैसे गाजर हो गई, मूली हो गई, तो उनके लिए तो जितना लंबा आप इस तरह का पॉट लोगे ना तो उनकी गहराई में बनती जाएगी वो। लेकिन ये तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पॉट चूज़ करना चाहिए, ठीक है। बहुत ही न्यूट्रिशन से भरपूर है ये, तो आप इसे अपने गार्डन में ग्रो कर ज़रूर देखिए। मैं भी फर्स्ट टाइम ग्रो कर रही हूँ। तो यहाँ पर मिट्टी का रेशियो जो मैंने आपको विंटर मिट्टी सॉइल प्रिपेयर करनी बताई थी, स्टेरलाइज करनी बताई थी, रेडी करनी बताई थी, वो सारी मिट्टी में से कोई सी भी एक मिट्टी आप उठा लो, ले लो, रेडी कर लो और अपने पॉट में भर लो। अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं तो यहाँ पर मैंने 40% मिट्टी रखी है, 40% खाद रखा है, बाकी सब जो बचा उसमें रिवर्स एंड मिक्स का रखा है। बाकी डिटेल में चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो सीड निकाल लेती हूँ जल्दी से, फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए ये कुछ सीड जो है मैंने ले लिए हैं और बस इनको आपको ऐसे बिखेर देना है, उंगली से गड्ढा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह से बिखेर दो बस, ठीक है। अगर आपका मन नहीं मानता तो गड्ढा बनाकर डाल दो, मैं तो ऐसे ही डाल रही हूँ, ठीक है। ये देखो इस तरह से हमने सभी जगह डाल दिया है और उसके ऊपर से आप चाहो तो एक मिट्टी की लेयर बना दो या ऐसे ही कर दो, ठीक है। तो हम इस पर मिट्टी की लेयर बना देते हैं, क्योंकि ऐसे करके मैंने बहुत बार दिखाया है, मेरे भाई बहन सोचेंगे इनके पास मिट्टी की कमी है इसलिए बस ऐसे ही कर देती हैं। जी नहीं, मिट्टी की तो कमी नहीं है, खाद वगैरह की भी कोई खास कमी नहीं है, खास कमी क्या है ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा अपने गार्डन में लगभग 5 साल हो गए हैं, 5 साल से पहले से ही गार्डनिंग तो हमने 5 साल से कर रहे हैं, लेकिन कंपोस्टिंग मैं पहले ही करने लगी थी, ठीक है। जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है ना तब से नहीं, उससे पहले से ही हम गार्डनिंग कर रहे हैं और उससे पहले से ही हम कंपोस्टिंग कर रहे हैं। तो कंपोस्ट की वजह से ना मेरे पास खाद की कमी नहीं है। शुरुआत में तो मैं खरीदती थी खाद जब मेरा फर्स्ट ईयर था, बट जब मेरा खाद अच्छा रेडी होने लगा, कंपोस्टिंग का रिजल्ट मुझे अच्छा मिलने लगा, फिर मैंने खाद लेना बंद कर दिया, बिल्कुल नहीं लेते हैं। वर्मी कंपोस्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि उसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं और वो भी सिर्फ 1 कट्टा लाते हैं, मतलब कि साल में 2 ही कट्टे मेरे आते हैं 10-10 kg के, ठीक है। वाटरिंग कर देते हैं, देखिए जब मिट्टी बिल्कुल सूखी पड़ी है और हम सीड ग्रो कर रहे हैं तो उसमें आपको फर्स्ट टाइम वाटरिंग बहुत अच्छी तरीके से करनी है। इससे क्या होगा कि मिट्टी भी गीली हो जाएगी और मिट्टी के कॉन्टैक्ट में आकर आपका सीड जो है पानी से लतपत हो जाएगा ना, फूलेगा, तभी वो सीड ग्रो करेगा। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई हूँ, ये जो पॉट मैंने लिया ना इसके बॉटम में होल मैंने पहले से ही बना रखा है। अब ये मत सोचना इन्होंने पॉट लिया और बस उसमें होल वगैरह किया नहीं और बस मिट्टी भरी और सीड लगा दिया, जी बिल्कुल नहीं। कोई भी पॉट आप लो उसके बॉटम में आपको होल ज़रूर बनाना है। हालांकि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आपको कट्टे दिख रहे होंगे, इनके कट्टे के नीचे बैक साइड में बिल्कुल नीचे की तरफ तली में भी वहाँ मैंने 4 से 5 छेद बना रखे हैं। छेद बनाना ज़रूरी है
इससे क्या होगा कि जब भी आप वाटरिंग करोगे ना तो सारा एक्स्ट्रा पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा और जितने पानी की ज़रूरत है मिट्टी को या प्लांट को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो मिट्टी देखो बहुत अच्छी बना रखी है, इसी वजह से सारा का सारा पानी जो है वो नीचे बैठ गया है, मिट्टी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है और जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो इसी तरह से आप भी सीड ग्रो करके देखिए, रिजल्ट मिले तो प्लीज़ चैनल पर आकर अपना फीडबैक ज़रूर शेयर किया कीजिए, इससे दूसरों को भी मोटिवेशन मिलता है कि हम भी ग्रो करके देखते हैं शायद हमारा भी कुछ लग जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Happy God।